वेलकम टू जरगर न्यू टैलेंट। साथियों, आज हम बात करेंगे सांपों के बारे में, उन सांपों के बारे में जो दुनिया में जहरीले होते हैं। और दुनिया में 3000 से ज्यादा प्रजातियां सांपों की पाई जाती हैं, जिसमें वाइपर, किंग कोबरा और एनाकोंडा जैसे खतरनाक सांप होते हैं। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे छोटे सांप के बारे में, बारबाडोस थ्रेड स्नेक, जिसका नाम है बारबाडोस थ्रेड स्नेक, जो टेट्राचिलोस्टोमा कॉर्ले की एक नस्ल है। ये सबसे छोटी प्रजाति है। बारबाडोस थ्रेड स्नेक को सबसे पहले 2008 में बारबाडोस में खोजा गया था। ये खोज पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के सरीसृप विज्ञानी एस बिलेयर हेजेस ने की थी। इसकी लंबाई 3.94 इंच यानी 4 इंच से भी छोटी होती है। इसका वजन लगभग 0.6 ग्राम होता है। बारबाडोस थ्रेड स्नेक जहरीले नहीं होते। इनके काटने से हल्की जलन और दर्द होता है। बारबाडोस एंगुइला के कैरेबियाई द्वीपों पर पाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सांप अंधा होता है। इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये कूड़े के पत्तों और चट्टानों के नीचे रहता है। जहां दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा को माना जाता है, तो वहीं दुनिया का सबसे छोटा सांप बारबाडोस है। एनाकोंडा के बारे में हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। बारबाडोस दक्षिण पूर्वी कैरेबियाई सागर में एक छोटा सा द्वीप देश है। बारबाडोस में सांप काफी दुर्लभ हैं। यहाँ के शुरुआती निवासी नेवले को यहाँ लाए थे, जिसने सांप, चूहों और छिपकलियों को खाकर खत्म कर दिया था। इसीलिए यहाँ सांप दुर्लभ हो गए हैं। बारबाडोस सांप चींटी और दीमकों को खाता है। ये सांप इतना छोटा होता है कि अमेरिकी क्वार्टर में आराम से रह सकता है। बारबाडोस सांप धागे की तरह पतला होता है। इसमें किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता। इनके काटने से इंसान को कोई खतरा भी नहीं है। साथियों, ये थी बारबाडोस थ्रेड स्नेक के बारे में कुछ जानकारी आपके लिए। ऐसी ही खूबसूरत और नया वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।